नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में आप ये टेक्स्ट देख रहे हैं और आज आपके सामने एक बहुत ही थोड़ा सा इंग्लिश में वीक है उनको मैंने लिया है और आप देखेंगे किस तरह से ये इंग्लिश पढ़ती है। देखिए कुछ जो है आपके सामने यहाँ पर हमारे ही चैनल द्वारा अपलोड किया गया जो है कंटेंट अवेलेबल है, तो इसे आप पढ़ने का प्रयास करेंगे और जो भी कैसे पढ़ना है उसको मैं बताऊँगा यहाँ पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है अब यहाँ पर हैं, अब ये पढ़ेंगी और पढ़ते हुए देखेंगे। चलिए आज आप पढ़िए वहाँ से स्टार्टिंग से कि ये वहाँ क्या लिखा हुआ, और आप अच्छे से अगर जितना भी जानती उतना पढ़ना है आपको, तो स्टार्ट करें। मोना एंड राजू वेयर हेल्पिंग अम्मा टू केन देयर हाउस। एक सेकंड रुक जाइए, देखिए इन्होंने जो पढ़ा मोना एंड राजू, उसके बाद क्या आपने पढ़ा? हेल्पिंग वो है वर, वेयर नहीं पढ़ेंगे आप, पढ़ेंगे वर, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? वर वर पढ़ेंगे, उसके बाद हेल्पिंग नहीं। आप देखिए उसे अच्छे से गौर से देखिए कि ये जो वर्ड है HELP है ना, HELPING है, इसमें ING इंग लगा हुआ है, इसका मतलब है कि P में ING लगा तो पिंग हो गया, हुआ या नहीं, हुआ या नहीं? हेल्पिंग। उसके बाद आपका अम्मा ठीक था टू, अब यहाँ पर टू के बाद क्या पढ़ा आपने? टू कैन क्लीन, क्लीन ई ए है, तो ई ए आपको ये बताता है कि ई ए का उच्चारण जो है ई के रूप में होता है। उसके बाद पढ़िए देयर हाउस, हाउस, यस हाउस, हाउस। उसके बाद देखिए दोस्तों, तो ये जैसे यहाँ पर आपने देखा कि मोना है, मोना और जो है आप देख रहे हैं राजू। तो दोस्तों ये जो आप टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को आप ये देखिए, इस टेक्स्ट के थ्रू जो है आपको ये अक्षर, जी हाँ अक्षर का मतलब मेरा कहना ये है कि अगर आप अम्मा या मोना पढ़ते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर है मोना एंड राजू, मोना एंड राजू में अगर आपको ये नहीं जानकारी रहेगा या आपको पता नहीं रहेगा कि एच को क्या बोलते हैं या अम्मा को कैसे पढ़ते हैं, तो आपको दिक्कत होगा। क्लीन में सी को क क्यों पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ आपको समझना होगा, जानना होगा। लुक एट ऑल दिस थिंग्स, देखिए लुक एट ऑल दीज, दीज पढ़ेंगे टी एच ई एस ई को, एस जो है वहाँ पर एस को, इसको क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, तो दीज हो गया और इंग तो है ही, तो टी एच में लगा तो थिंग हो गया, ऐसे जुड़ गया थिंग्स हो गया। आगे पढ़िए क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। देखिए क्लॉथ इसलिए इन्होंने, अच्छा क्लॉथ्स पढ़ने में वो क्या दिक्कत हुई बताइए, बताइए क्लॉथ आपने क्यों नहीं पढ़ाई, क्लॉथ है ये, आप बताइए आपकी समस्या क्या, यहाँ पर क्या समस्या हुआ कि आप क्लॉथ, आपने इसे क्लॉथ क्यों नहीं पढ़ा? बताइए कि आपने गलत क्यों पढ़ा, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ आपको? मुझे समझ में ही नहीं आता है। क्या क्या समझ में नहीं आता है? सी को क्या पढ़ूं? क्या पढ़ना है? तो देखिए सी को अगर आपको नहीं पता हो तो आप यहाँ से देखिए, देखिए सी जो है सी, सी को क या स पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क पढ़ सकते हैं, तो सी, सी से क भी होता है स भी होता है, इसी तरह यहाँ पर क्लॉथ्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। उसके बाद पढ़िए यूटेंसिल्स, हाँ यूटेंसिल्स, देखिए यहाँ पर ई एन जो है एन पढ़ते हैं, टी के साथ अगर तो टेन हो गया, तो यूटेंसिल्स। उसके बाद आगे आगे नेक्स्ट पढ़े फूड ग्रेन्स, हाँ ठीक है फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स नेक्स्ट जो है वर्ड क्या है, अस, उसके ऊपर वाला लाइन में आप पढ़ेंगे कॉम्बस, 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 इन्होंने कॉम्बस पढ़ा क्योंकि इनको पता नहीं है कि यहाँ पर जो है साइलेंट है, क्या साइलेंट है, यहाँ पर बी साइलेंट है, इस तरह कॉम्स पढ़ेंगे, कॉम्स, 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 ठीक है बी साइलेंट है। आगे पढ़िए दिस
हाँ, दिस बॉटल ऑफ हनी हनी बुक्स बुक्स ईच, ईच क्योंकि ई देखिए आप यूटेंसी क्लीन में देखिए, क्लीन में जब आप देखेंगी तो सी एल के बाद ई ए है, वहाँ भी ई पढ़ रहे हैं और यहाँ भी ई ए है, यहाँ भी ई पढ़ेंगे तो सी एच को चा पढ़ते हैं, तो ईच 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 ऑफ दिस दीज दिज हैज हैज अ ए ए अस अस नहीं यूज, एस को यहाँ जा पढ़ेंगे यूज यूज साइड साइड नहीं, इसको साइड नहीं पढ़ेंगे सेड सेड, क्या पढ़ेंगे सेड सेड मोना मोना दैट इज वे वे नहीं वाई 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 में एच एच जो है साइलेंट है वाई वाई दे आर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, देखिए टी ए एन टी है इसको टेंट पढ़ते हैं ठीक है, और आई एम को क्या पढ़ेंगे इम, तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सेड 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 ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, वाज अम्मा अम्मा हाँ अम्मा दे देज अम्मा देज आर जोर से बताइए, नहीं हो पा रहा है देखिए नहीं हो पा रहा है तो याद रखिए आई जो है आई को पढ़ेंगे री ठीक है, क्या पढ़ेंगे री, री और सी को सा पढ़ेंगे तो रिसोर्सेज रिसोर्सेस रिसोर्सेज। आगे पढ़िए, व्हाट इज ए हाँ रिसोर्स रिसोर्स आगे चलिए, वाज हाँ वाज राजू राजूज राजूज क्यूसेंटली क्या पढ़ेंगे क्यूसी क्वेश्चन 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 हाँ टू अम्मा हाँ एनीथिंग 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 दैट दैट कैन बी हाँ यूज्ड यूज्ड टू टू सेटिस्फाई सेटिस्फाई ए ए नीड इज अ इज अ रिसोर्स रिसोर्स रिप्लाइड अम्मा अम्मा लुक अराउंड अराउंड वही यूनिकॉर्न बोलते हैं यहाँ पर जैसा, तो अराउंड पढ़ेंगे ठीक है अराउंड। अराउंड आगे पढ़िए, टू सेटिस्फाइज है टू नहीं सेटिस्फाई वो हो गया यू यू एंड यू एंड ऑब्जर्व ऑब्जर्व, देखिए इसमें ई आर जो है इसको अर पढ़ेंगे, एस को ज पढ़ेंगे तो ऑब्जर्व 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 यू यू विल बी एबल 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 टू इंडे इड इन फे देखिए आई डेन डेन ई एन को एन बोलेंगे डी लगा डेन हो गया आई डेन टी फाइव आइडेंटिफाई हाँ मैनी मेनी मेनी मैनी मैनी दे टाइप्स 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 ऑफ टाइप्स ऑफ रिसोर्स रिसोर्सेज रिसोर्सेज दे द वाटर देखिए ई आर को आर बोलते हैं टी लगा टर हो गया वाटर हो गया द वाटर यू थिंक क्या ड्रिंक ड्रिंक वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थी थर्स्टी थर्स्टी द थर्स्टी द पढ़िए
इलिसिट ये देखिए इलेक्ट इलेक्ट्री टी आर को ट्री बोलेंगे और सिटी तो है ही सिटी है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी हाँ यू 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 यूज यू यूज इन योर हाउस द रिक्शा यू यूज गेट होम फ्रॉम स्कूल द टेक्स्ट बुक यू आज अस नहीं यूज यू यूज टू सेट स्टडी आर ऑल रिसोर्सेस योर फादर हैज प्रिपेयर्ड ए टेस्टी सन स्नैक सी के को क्या बोलते हैं स्नैक फॉर यू द फ्रेश यू नहीं भी है वेजिटेबल्स ही has used are also a resource. दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से जो है इस बुक को इन्होंने बहुत ही चतुराई से पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं उस वर्ड्स में तो लोग जाहिर सी बात है उलझ ही जाएंगे क्योंकि उन वर्ड्स के बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे या कोई बताने वाला होगा तो आपको पढ़ना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। देखिए इस वीडियो को आगे मैं कंटिन्यू करूंगा और जब तक ये इंग्लिश अच्छी तरह से धारा प्रवाह और इसमें सच्चाई है कि इनको कोई भी जितना इन्होंने पढ़ा इनको उतना ही आता है, तो इनको सिखाने का मैंने लिया है एक तरह से समझ लीजिए कि जिम्मेवारी और इनको सिखा देना इंग्लिश पढ़ने के लिए फ्लुएंट में। एक दिन वो दिन भी आएगा जब ये फ्लुएंट पढ़ेगी, ठीक है। तो ये 100% सच्चाई है कि इनको जितना आ रहा है उतना अपने ही तरीके से पढ़ रही है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है जो महिलाएं हैं थोड़ा सा हिंदी माध्यम से वो पढ़ाई करती हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है, तो उन सबको सिखाना है, खासकर महिलाओं पर मेरा विशेष कर जो है ध्यान रहता है कि भाई घर में जो महिलाएं अगर वो सीख जाएंगी तो बहुत कुछ वो करेंगी, ठीक है। तो आगे का टेक्स्ट जो है शुरू होगा, आप लगातार बने रहिएगा क्योंकि आपको अगर सुनना है कि किस तरह से जो है पढ़ना पढ़ाई में जो दिक्कत होती है उस दिक्कत को जो कि आपको भी होगी उसका सामना करते हुए आगे बढ़ जाना है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और लगातार बनाए रखें क्योंकि इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे एक लाइक बटन है अगर वीडियो पसंद आया। और ये एकदम बिल्कुल सच्चाई वाला वीडियो है, ऐसा ही नहीं कि किसी को मैंने बता दिया कि भाई आप गलत पढ़ दें, ऐसा कुछ नहीं है, सही से पढ़ा गया उनके द्वारा। तो अगर आपको लग रहा है कि वाकई में है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग जो है घबराए नहीं और पूछने में कभी भी शर्माए नहीं है। अगर जिन्होंने शर्म किया तो जाहिर सी बात है उनको सीखने में बहुत समय लग जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।